चुनाव प्रचार के अंतिम दिन फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के समर्थन में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष उत्कर्ष चौधरी और सीएम के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए पलवल में रोड शो कर जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की। रोड शो में भारी भीड़ से उत्साहित भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष उत्कर्ष चौधरी ने कहा कि जनता इस बार पिछली बार की कमी को पूरा कर चौधरी कृष्णपाल गुज्जर को 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जिताकर संसद में भेजने का काम करेगी। रोड शो में शामिल नेताओं का फूल बरसाकर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। एक ऐतिहासिक रोड शो आज पलवल शहर में हुआ है और मेरे ख्याल से ऐतिहासिक ही जीत होने वाली है। जिस तरीके का जन सैलाब आज पलवल शहर में उमड़ा है, निसंदेह आज पलवल ने बहुत ही बुलंद आवाज में कहा है कि आज से पलवल में भय का माहौल खत्म होता है। देखिए, जिस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं, देश में सुरक्षा का माहौल बना है, देश अपनी मजबूताई की तरफ अग्रसर हुआ है। इस सरकार में 5 साल का बच्चा हो, 90 साल का बुजुर्ग हो, उसने एक उम्मीद और विश्वास देखा है। और इस बार पुनः पिछली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला था और ऐतिहासिक जीत मिली थी, इस बार ये जनता उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। और मैं कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पिछली बार जो 25-30 हजार वोटों की कसक रह गई थी, इस बार चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर यहाँ से 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत करके संसद भवन में जाने वाले हैं। ये सेक्टर 2 हुड्डा चौक से रोड शो की शुरुआत हुई थी और आगरा चौक तक हमारा रोड शो चला था। कैसा जोश है पब्लिक में? बहुत ही जबरदस्त जोश है और मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि पलवल के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक रोड शो हुआ है और इसने आज पलवल के वातावरण से जो भय और डर का माहौल कहीं ना कहीं था, आज भय और डर के माहौल को खत्म करने का काम इसने किया है। भगवा परचम निसंदेह पलवल से लहराने वाला।